नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। डीआईजी नर्मदापुरम से मिले नगर रक्षा समिति के सदस्य, समिति सदस्यों को हो रही समस्या से कराया अवगत। खबर मध्य प्रदेश के जिला बैतूल नगर रक्षा समिति का एक दल सोमवार को प्रदेश संयोजक दीपक तिवारी की अगुवाई में नर्मदापुरम रेंज डीआईजी प्रशांत खरे से मिलने पहुंचा, जिसमें बैतूल, हरदा और नर्मदापुरम के नगर रक्षा समिति के जिला संयोजक और थाना प्रमुख मौजूद थे, जहां डीआईजी का नगर रक्षा समिति सदस्यों द्वारा पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। वहीं प्रदेश संयोजक दीपक तिवारी द्वारा नगर रक्षा समिति द्वारा किए जा रहे कार्यों से डीआईजी को अवगत कराया गया। नगर रक्षा समिति में कार्य करने वाले सदस्य की उम्र के बारे में चर्चा करते हुए बताया कि नगर रक्षा समिति के बायलाज अनुसार समिति सदस्य बनने के लिए 45 वर्ष की आयु का होना आवश्यक है, न कि समिति में कार्य न करने की आयु का 45 वर्ष होना है। जब तक सदस्य स्वस्थ है सेवा दे सकते हैं। वहीं प्रदेश संयोजक द्वारा बताया गया कि कुछ जिलों में नगर रक्षा समिति द्वारा कार्य नहीं किया जा रहा है। समिति सदस्यों को हो रही परेशानियों को दूर करने रेंज स्तर पर शीघ्र ही भव्य आयोजन किया जाएगा, जिसमें समिति के सक्रिय सदस्य शामिल होंगे। डीआईजी प्रशांत खरे का कहना है कि सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों से चर्चा कर नगर रक्षा समिति को सुचारू ढंग से संचालित कराने के लिए निर्देशित किया जाएगा। बैतूल से जिला ब्यूरो चीफ मोहन प्रजापति की रिपोर्ट। शिव मंगल सिंह चौहान, होशंगाबाद नर्मदापुरम से जिला संयोजक। आज बड़ा खुशी का दिन है कि जो हमारी समिति, रक्षा समिति जो थी रेंज की, और यहाँ की जो निष्क्रिय पड़ी थी, कुछ अधिकारियों के व्यवहार के कारण, कुछ सदस्यों की समस्याओं के कारण, तो आज उन्हें सक्रिय हुई है। और आगे हमारी जो मांग, अभी जैसे हमारे प्रदेश संयोजक ने बताई है, ये सब मांगों पर उनसे चर्चा हुई है। और चर्चा के दौरान ये निकल कर आया है कि हम एक रेंज का एक बड़ा प्रोग्राम करेंगे यहाँ पर, और उसमें सभी सक्रिय सदस्यों को बुलाया जाएगा और सदस्यों की पुनः यहाँ पर रक्षा समिति खड़ी करी जाएगी, जिससे कि शहर का वातावरण, इस जिले का वातावरण, इस रेंज का वातावरण हम पुलिस के साथ मिलकर और संभालने की कोशिश करेंगे। आज जो डीआईजी साहब से आपकी मुलाकात हुई, किन मुद्दों पे चर्चा हुई? आज नर्मदापुरम डीआईजी श्री प्रशांत खरे जी से नर्मदापुरम रेंज के सभी संयोजक एवं सक्रिय सदस्य आज उनसे मुलाकात करी। मुलाकात का मुख्य उद्देश्य कि जो रक्षा समिति उस जगह निष्क्रिय पड़ी है, शासन से अनेकों घोषणाएं हुई हैं, लेकिन उनका लाभ सदस्यों को प्राप्त नहीं हो पा रहा है। उसमें मुख्य रूप से एक हर थानों में, हर जिले में उम्र बंधन का एक सबसे बड़ी समस्या है, जबकि जो प्रावधान है बायलाज में, वो नए सदस्यों के लिए 18 से लेकर के 45 वर्ष तक का प्रावधान नए लोगों की नियुक्त करने का है। लेकिन उसको क्या मान लिया है कि 45 साल मतलब 45 साल तक के काम करेंगे। इसके लिए मेरी मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा हो चुकी है। मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी को भी उसमें परिवर्तन के लिए, संशोधन के लिए किया है। शीघ्र ही ये संशोधन, हमारी जो मांग है कि रक्षा समिति के पुराने जो सदस्य हैं उनकी स्वास्थ्य परीक्षण करके रह जाए, जब तक वो स्वस्थ हैं, सेवा देना चाह रहे हैं, वो सेवाएं दे सकते हैं। दूसरी मुख्य बात हमारी कि रक्षा समिति के प्रत्येक सदस्य को पूरे प्रदेश में एक रूपता में पहचान होना चाहिए। तीसरी जो है कि मान में तनख्वाह चाहे कम कर दो, लेकिन नाम दरोगा धर दो, जिससे कि कम से कम सदस्यों का उत्साह बना रहे। तीसरी बात कि कम से कम सदस्यों का एक रेंज स्तरीय प्रशिक्षण यहाँ पर बहुत समय से नहीं हुआ है, वो डीआईजी साहब से हमारी बात हुई है। अभी हम आईजी साहब के पास भी जा रहे हैं, उनसे भी चर्चा होगी और पुनः हमारे रक्षा समिति के सदस्य जवान किन्हीं कारणों से, कुछ अधिकारी की वजह से ये निष्क्रिय हो गए थे, अब वो पुनः सक्रिय होकर के पुनः रक्षा समिति के माध्यम से पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के सेवाएं देंगे।
अंत में यही कहूंगा कि उन लोगों के लिए जो शासन से लाभ मिलना चाहिए वो यथाशीघ्र जल्दी से जल्दी प्राप्त हो। वर्धा नगर सुरक्षा समिति के मुख्य रक्षक के रूप में मैं कार्य कर रहा हूँ, क्योंकि जिला संयोजक होना भी ऊपर जैसे तिवारी जी ने बताया उनकी नियुक्ति आदेश सभी जिला में होना चाहिए, क्योंकि पुलिस से कंधा संधा लगा के हम कार्य करते हैं। तिवार हो कोई से भी एक्स वाई जेड ड्यूटी हो, हम हमारी ईमानदारी से ड्यूटी निभाते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय भारत, वंदे मातरम।